हेलो गाइस, राम राम जी सभी को। तो स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में। होप एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो मेरी तो दिन की शुरुआत हो चुकी है। नहा ली हूँ, पूजा वूजा कर ली है और अब खाऊंगी अपने ड्राई फ्रूट्स और एक चम्मच च्यवनप्राश। वो उधर रखे हैं मेरे साइड टेबल पे। और मम्मी भी बैठी हुई है, अगर मम्मी का सर दिख रहा होगा तो। मम्मी राम राम जी कर दो सबको। राम राम जी सबको। तो भाई ठंड दिन पे दिन बढ़ती जा रही है और दिन पे दिन मैं एक एक कपड़ा ऐड ऑन करती जा रही हूँ। जैसे जैसे ठंड बढ़ रही है ना, वैसे वैसे मेरे सर्दी के कपड़े भी निकलते जा रहे हैं। हाथ एकदम ठंडे हुए पड़े हैं। ठीक है, समझ गया। तो भाई मैं तो यहाँ बैठी हुई हूँ, ठंड लग रही है, शॉल भी ओढ़ लिया है और हम लोग देख रहे हैं लखनी ब्लॉग्स। टीवी पे ये चल रहा है तो हम इनके व्लॉग देख रहे हैं और आप लोग मेरा व्लॉग देख रहे हो। कोई सेंस है इस बात की? तो भी अब लंच टाइम हो गया है मेरा और मम्मी का। सब लोगों ने तो कर लिया है, मैं और मम्मी लास्ट में करते हैं। तो पहले मम्मी को मैं मम्मी की रोटी बना दूँ, फिर मम्मी को खिला के फिर खाऊंगी मैं, क्योंकि मैं खाती हूँ मम्मी की प्लेट में। एज यू गाइस नो, अगर आप लोग मेरे व्लॉग देख रहे हो एंड गाइस प्लीज डू लाइक इट, शेयर कर दिया करो, ठीक है। बार बार इसलिए देख रही हूँ क्योंकि व्लॉग्स चल रहे हैं तो टीवी पे स्ट्राइक हो रही है मेरी। ये देख लो, ये मम्मी तो मम्मी को तो खिला दिया खाना आ रहा। मैं खा रही हूँ, ये रही मेरी प्लेट। तो मैं भी खा लेती हूँ खाना, भूख लग रही है, खा लेते हैं। चेर गुड इवनिंग। डॉल हाउस दिखा अपना। तो इसका उद्घाटन तो कर ले, खोला ही नहीं तूने ये। इसमें गेट भी है, गेट खोल ले चेरी, अपना हाथ दिखा अपना गेट खोल के। चेरी का मुंह आ रहा है इतनी बुरी हो रही है। ऐसे बेड पर अभी उठते हैं थोड़ी देर में। इस वाली लाइट में कितने एक ही चेटा। तेरा डॉल हाउस आया, तुझे इसके लिए क्या कहना है? मेरे का बहुत अच्छा लगा, लेकिन एक चीज की कमी रह गई मेरे डॉल हाउस। क्या डॉल? तो डॉल तो तेरे पास ऑलरेडी है ना, इतनी सारी। इतनी सारी कहां है, बस एक है, वो भी नहीं मिल रही। नहीं, रखी हुई है, बाबा लेके नहीं आए थे? कितनी सारी, कितनी बार तो लिया है पापा डॉल तेरी। डॉल मिला दो सुंदर से, ठीक है। कितने बड़े लीजिएगा? शाम हो चली है तो अब पूजा का टाइम हो गया, तो मैं पूजा कर लेती हूँ। और मौसम यार पता नहीं, देखना ठंड दिखाती हूँ क्या हो रहा है। मौसम की बैंड बजी पड़ी है ठंड से, मुझे तो डर और लग रहा है अब ठंड से। मुझे सच में लगता है डर यार, क्योंकि ठंड में सबसे ज्यादा इंसान बीमार होता है, खांसी जुकाम बुखार आलस सबसे बड़ी चीज रहती है ठंड में, आलस। बाकी चीजें तो देखी जाए पर जो आलस है ना वो पीक पॉइंट पे होता है सर्दियों में। अच्छा अच्छा जो एक्टिव आदमी रहता है ना, एनर्जेटिक, तो वो भी सर्दियों में बैठ जाता है। तब हमने तान ली है अपनी भाई पूजा वाला, क्या कहेंगे इसे, दुपट्टा टाइप। मतलब मेरा ये स्कार्फ है, ये मैंने पूजा का बना रखा है। तो चलो भाई पूजा कर ली जाए। ओ मैं क्या लग रही हूँ। तो मैंने पूजा कर ली है, आप लोगों को भी दर्शन करा देती हूँ। आप लोग भी दर्शन कर लो भाई।
किशोरी जी के, माता रानी के, गौ माता के, सबके। और यहाँ पे मैंने जो मेन डोर है उसके लिए भी तैयार कर दिया है, दिया और दो बत्ती, नहीं अगरबत्ती, सॉरी। तो भाई हमारा डिनर तो हो चुका है, मतलब पापा रह रहे हैं, बस अभी आए नहीं है। कर दिया वो मंत्र, मैं और मम्मी देख रहे हैं पॉडकास्ट जय किशोरी जी का, बहुत अच्छा अच्छा बता रही है, मतलब मेडिटेशन के ऊपर बात चल रही है, तो उसके ऊपर एक बात चली है, तो मैं और मम्मी डिस्कस कर रहे थे, तो मम्मी को सुनो, मम्मी क्या कह रही है। क्या बोल रही है मम्मी, बताओ। हाँ अब बताओ क्या बोल रही है। मन सो कुछ भी मंत्र जप लो, जो जी माँ पर मन सच्चा होना चाहिए सपा, मतलब वो ही ना, मतलब भगवान भाव देखते हैं, श्रद्धा हाँ। देखते हैं। एक जो बिल्कुल अनपढ़ हो, किसी बाबा के दौर गए हाँ। बाबा वो मंत्र दे दे, बाबा कहे बेसुध आदमी है, या सुतरे का मंत्र दो फिर के पहुंच गो, बाबा खात में लोटा है, बाबा ने मारो आके वो लोटा फेंक के, मार दू लोटा फूट जा खपड़िया, मार दू लोटा तो फूट जा खपड़िया। हाँ। वो जाओ बाबा ने मंत्र दे दिया, तो यही मंत्र ही कर रहे हो पूरे दिन, मार दो लोटा फूक जा खपड़िया, मार दो लोटा फूक जा खपड़िया, है ना। वहा कोई मंत्र इतना शुद्ध होगा, अच्छा अच्छा साधु मंत्र मानने एक काम नहीं करो, और वहा कह मंत्र न कर दिया, मार दो लोटा फूक जा खपड़िया। हाँ, जाने यू के ही ना कहानी, वहा पे भी वो चीज सही नहीं हुई, और यह मंत्र न कर दी जाकर। तो बेसिकली भी मॉरल ऑफ द स्टोरी, भगवान आपका भाव देखते हैं, श्रद्धा देखते हैं, है ना। कैसी आत्मान को अब अंदर भर रहे हैं कपट, दिन भर करे जाओ, तो भगवान तो सब कुछ देखे, और उनको ही तो पागल बना सके ऐसा, तो तुम सच्चे मन से अंदर करे जाओ, कुछ भी नाम ले लो, वही सिद्ध भगवान सबको देखे। तो भाई ये तो काफी सीरियस टॉपिक का डिस्कशन हो गया। हाँ, आज कहानी है, मैं तो कहानी सुनाऊंगी या कि अब तो मैं तो किसी दिन एक वीडियो में पूरी तरीके से तुम्हारी कहानी ले लूं। हाँ, कहानी ले लीजिए। तो भाई वो वीडियो अब हम जल्दी पोस्ट करेंगे, ठीक है, मैं और मम्मी भी एक चल अभी कर रहे हैं, एक राजा नहीं नहीं उसके लिए अलग वीडियो बनाएंगे मम्मी, नहीं एक राजा का लड़का बिगड़ गया, अलग वीडियो बनाएंगे उसके लिए, ताकि ऑडियंस उस चीज से भी हमसे सवाल भी कर सके ना, लोगों के सवाल भी आएंगे तो हम उन्हें जवाब भी दे सकते हैं, पहले इस वाली वीडियो को देख लें, फिर अगली में हम जवाब दे पाएंगे। तो भाई नेक्स्ट वीडियो एक मम्मी मतलब नेक्स्ट तो पता नहीं, शॉर्ट नहीं है मम्मी नेक्स्ट वाली में करें शूट या नहीं, लेकिन जल्दी हम ऐसी वीडियो लाएंगे एक जिसमें मम्मी थोड़ी बता दो ना। नहीं अरे अभी क्यों सस्पेंस खोल रही है, नहीं मम्मी ये कौन सा है तेरा डांस, इधर दिखा इधर, इस डांस का नाम बता कुछ का। एवरी नोंडा ये क्या नाम है, क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। ये मम्मी और चेरी की चल रही है मस्ती। तो भाई अब मैं आई हूँ किचन में, मैं करने आई हूँ पापा का दूध, अपना दूध, और मम्मी के लिए बनाऊंगी थोड़ी सी चाय, क्योंकि मम्मी क्या हो रहा है सर में दर्द, तो मम्मी कह रही है मेरे लिए एक घूट चाय बना दो, क्योंकि मम्मी को ना शाम से सर में दर्द हो रहा है, और होते होते थोड़ा ज़्यादा हैवी हो रहा है, तो मम्मी कह रही है बाम वाम तो लगा लिया मम्मी ने, और फिर बोल रही है थोड़ी सी चाय दे दे शायद उससे थोड़ा रिलीफ मिले, तो चाय बनाने आई हूँ और अपना और पापा का करने आई हूँ मैं दूध। तो भी सारा काम मेरा हो चुका है, पापा भी आ गए हैं, तो दूध चाय सबको दे दी है जिस जिसको जो भी चाहिए था, और आज मतलब मम्मी अब क्या कहते हैं मेडिटेशन के ऊपर डिस्कस कर रही थी, तो हम लोग पॉडकास्ट देख रहे थे तो उसके ऊपर डिस्कशन चल रहा था, तो मतलब क्या कहते हैं सुबह जो है सुबह ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं 4 बजे के करीब का, 4 से 4:30 का, मतलब उस टाइम को ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है, तो मेरी मम्मी तो उस टाइम थोड़ी देर मेडिटेशन करती हैं, फिर जो भी मंत्र जाप वगैरह होते हैं, तो मेरी मम्मी को तो काफ़ी चेंजेस लगते हैं इन चीज़ों से, एंड मतलब बहुत ही ज़्यादा, कुछ ना भी हो तो अपना एक मेंटल पीस जो होता है वो तो मिलता ही मिलता है।
तो उसी चीज़ के यार में डिस्कशन चल रहा था। ऊपर से फिर हम पॉडकास्ट में देख रहे थे जया किशोरी जी को, वो भी अच्छी अच्छी चीज़ें बता रही थी। एंड मेडिटेशन के में काफ़ी लंबा डिस्कशन चला, ऑफ कैमरा भी हमारा चला था, मैंने बस थोड़ा सा ही शूट किया था। लेकिन जब मतलब स्पेसिफिकली मतलब मम्मी बोल रही थी कि इसके ऊपर ना स्पेसिफिकली एक अच्छे से वीडियो बनाएंगे, कि मतलब ऐसा कुछ नहीं है हमारा मतलब टारगेट या फिर कोई भी मोटिव कि ज्ञान बांटना है। भाई सब अपने अपने दिमाग लिए बैठे हैं, सब में बहुत दिमाग है, सब बहुत ज्ञान से भरपूर हैं। लेकिन हम मतलब एक चीज़ मतलब मम्मी को बतानी थी कि मम्मी अपने एक पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहती थी, तो उसके लिए मैंने सोचा है कि मम्मी के लिए एक स्पेसिफिक वीडियो बनाई जाए। तो देखूँगी अगर बनती है तो डेफिनेटली आप लोगों के साथ शेयर होनी होनी है, अगर नहीं होती है तो देख लेंगे, अभी कुछ कंफर्म नहीं है। तो बस यही था आज का हमारा मतलब थोड़ा सा डिस्कशन, तो अच्छा लगा। एंड मतलब मेरा सेल्फ बिलीव है यार, मेरा मानना है कि मतलब मेडिटेशन में सच में बहुत पावर है, बहुत ज़्यादा। अगर आप सच में मेडिटेशन मतलब उसमें बिलीव करते हो ना, तो आप हर चीज़ आपके लिए हर चीज़ मतलब जो स्टेप्स है ना बनते चले जाएंगे, मतलब बहुत ईजी लाइफ के लिए। मतलब आपका ना एक टारगेट सेट हो जाएगा अपने माइंड में, आप मतलब फिर इतने इधर उधर भटकोगे नहीं। कन्फ्यूजन जो है ना हमारा, जो भी कन्फ्यूजन रहता है वो क्लियर होता चला जाता है। मतलब स्टेप बाय स्टेप अगर आदमी मेडिटेशन करता है, मेडिटेशन में है, तो बहुत चीज़ें क्लियर होती हैं यार, लाइफ समझ आती है, ठीक है, सारे अप एंड डाउन्स तो बहुत कुछ है। ऑब्वियसली बात है आप लोगों को सब कुछ पता ही है, ठीक है। तो बस मैं अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू रख रही हूँ, ठीक है। मैं नहीं कह रही कि भाई मैं कोई ज्ञान बांट रही हूँ या कुछ भी, ऐसा कुछ भी नहीं है। सबने ज्ञान ज्ञान बोल रही हूँ, सबने ज्ञान खूब ले रखा है, सब आजकल सब भैया ज्ञान ही बांट रहे हैं, ठीक है। सबसे बड़ा काम सब लोगों ने यही ले रखा है, ज्ञान बांटने का। तो सारी बातें रैप अप करके तो अब करते हैं। सो यस गाइस, दिस वाज फॉर टुडे, होप ये व्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा। आया है तो डेफिनेटली गाइस प्लीज़ मेक श्योर लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, कमेंट तो करा करो यार, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, राम राम जी।